नमस्कार लर्नर्स, NIUS के स्टूडियो में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, सहायक आचार्य शिक्षा विभाग काशिंदु विश्वविद्यालय। आज हम लोग प्रश्न पत्र कोड 504, जिसका नाम प्राथमिक स्तर पर गणित का अधिगम है, इस प्रश्न पत्र के एक प्रकरण जिसका नाम है अंक गणित के अनुप्रयोग ऐकिक नियम पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न अनुभवों के माध्यम से, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ऐकिक नियम किसे कहते हैं उस पर हम जानकारी हासिल करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं गणित एक ऐसा विषय है जिसके बिना अन्य विषयों को हल करना, जानना कठिन होता है, और गणित को पढ़ना और पढ़ाना रुचिकर करने के लिए शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गणित में भी अंक गणित जो अंकों का खेल है, अंकों के क्रम है, उसके अंतर्गत ऐकिक नियम की बातचीत करेंगे। आइए ऐकिक नियम किसे कहते हैं इस पर हम बात करते हैं। ऐकिक नियम को जानने के लिए मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखूंगा और उन उदाहरणों के माध्यम से ऐकिक नियम को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है, उसको हम उदाहरण नंबर एक के नाम से जान लिखते हैं। यहाँ पर जो है उदाहरण एक जो है, आप देख रहे हैं कि इस उदाहरण में है कि मान लीजिए कि आपकी कक्षा है और उसमें 20 बच्चे हैं, यह है, अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन 20 बच्चों को कक्षा से एक तरफ करके पूछे कि यहाँ पर इस समूह में कुल कितने बच्चे हैं, और उन 20 बच्चों को 5 समूहों में बांटना है। आपकी कक्षा से 20 बच्चों का चयन करें, 30 का चयन करें, 40 का भी चयन कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा से जितना संभव हो सकता है बच्चों का चयन कर सकते हैं, या इससे संबंधित कोई दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। मानते हैं यहाँ पर हम 20 बच्चों को चयनित करते हैं और इन बच्चों को 5 समूहों में बांटना है। 5 समूहों को हम निश्चित कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे समूह जो है एक, समूह अ, समूह ब, समूह स और समूह द तथा समूह य। आप देख रहे हैं कि मैं ब्लैक बोर्ड पर 5 समूह बनाए, समूह अ, समूह ब, समूह स, समूह द, समूह य, और कुल बच्चों की संख्या जो हमारे पास है, कुल बच्चे बराबर 20 हैं। इन 20 बच्चों को इस उदाहरण में 5 भागों में, 5 समूहों में वितरित करना है। यह आप इसको कक्षा में भी मूर्त रूप से भी इस उदाहरण को करा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कैसे करते हैं। और समूह के लिए तो सबसे पहले निर्देश करेंगे कि प्रत्येक समूह में एक एक बच्चा जाकर के खड़ा हो जाए। इस 20 बच्चों में से एक बच्चा समूह ए में, दूसरा बच्चा समूह ब में, तीसरा स में, तीसरा द में, चौथा य में। देखते हैं, मान लीजिए एक बच्चा आपका हमारा यहाँ आ गया, पहला बच्चा यहाँ, दूसरा बच्चा आ रहा है, तीसरे समूह में एक बच्चा आ रहा है और चौथे समूह में एक बच्चा आ रहा है, तथा पांचवा बच्चा जो है, पांचवा समूह जिसका नाम य है उसमें आ गया है। इनको समूह को थोड़ा सा जो है किसी स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे। यह आपने देखा कि कुल हमारे 20 बच्चे हैं, इन 20 बच्चों को 5 समूहों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस समूह का नाम अ, ब, स, द, य है, या समूह एक, समूह दो, समूह तीन, समूह चार या समूह पांच भी लिख सकते हैं, और प्रत्येक समूह में एक एक बच्चे का वितरण कर दिए। अब आप प्रश्नों के माध्यम से पूछें कि कुल 20 बच्चे दिए गए थे, उन 20 बच्चों में से एक एक बच्चे को करते हुए 5 समूहों में हमने वितरित कर दिया, बच्चे बताओ उन्हीं बच्चों से कि अब कितने बच्चे शेष रह गए जिनको भी समूहों में बांटना है। तो आप देखेंगे कि बच्चे उत्तर देंगे कि 20 बच्चों में से कितने बच्चे वितरित कर दिए गए हैं, 5 बच्चे वितरित कर दिए गए हैं। कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 20 है, वितरित किए गए बच्चों की संख्या कितनी है, 5 है, शेष बच्चे जो बचे हुए हैं जिनका वितरण करना है उनको निकालने के लिए प्रश्न के माध्यम से बच्चों से पूछेंगे कि बचे हुए बच्चे कितने हैं।
निश्चित रूप से कुल बच्चे 20 हैं, वितरित किए हुए बच्चे 5 हैं, इस 5 को 20 में से घटाएंगे, कम करेंगे, जो बच्चे बच जाएंगे वही अवितरित बच्चे या उनको पुनः वितरण करना है बच जाएंगे। तो शेष बच्चे जो बचे हुए कितना हो गए बच्चे आपके, आपके छात्र उत्तर देंगे 15। अब प्रश्न उठता है कि इन 15 बच्चों को भी वितरण करना है, क्योंकि शुरू में ही हमें कहा गया है कि हमें सारे 20 बच्चों को 5 समूहों में वितरित करना है। अब कितने बच्चे बच गए हैं, 15 बच्चे जो है। फिर आप अपने बच्चों को निर्देश दीजिए कि जो 15 बच्चे बचे हुए हैं उसमें से एक एक बच्चा पुनः जो है पाँचों समूह में सम्मिलित हो जाए। ऐसा निर्देश जब देंगे इस 15 में से फिर एक एक बच्चा जो है इस समूह में आपका वितरित हो जाएगा। यह पहले समूह में देखिए एक दूसरा बच्चा आ गया, अब यहाँ बच्चों की संख्या 2 हो गई, दूसरे समूह में भी एक बच्चा आ रहा है, यहाँ भी संख्या 2 हो गई, तीसरा समूह जो बना हुआ है यहाँ पर भी एक बच्चा आ गया, यहाँ भी संख्या 2 हो गई, और चौथा समूह जिसका नाम 2 है या 4 है यहाँ भी 2 बच्चे हो गए, और पाँचवें समूह में भी 2 बच्चे हो गए। अब आप देख रहे हैं कि पाँचों समूहों में कितने बच्चे हो जाने, 2 2 2 2। कितने से शुरुआत किए थे, 15 से, 15 में से 5 बच्चों को वितरित कर दिए जाए। फिर प्रश्न उठेगा, फिर आप कक्षा में प्रश्न पूछेंगे या जिस परिस्थिति में जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं, अब 15 में से कितने बच्चों का वितरण कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे बताएंगे कि 5 बच्चे दूसरी बार में पुनः पांचों समूहों में भेजे जा चुके हैं। फिर आपका प्रश्न होगा कि अब जो है 15 बच्चों में 5 बच्चों के वितरण के बाद बचने वाले बच्चों की संख्या बताइए। निश्चित रूप से बच्चे उसके लिए अभ्यास करेंगे कि 15 बच्चे हमारे पास बचे हुए थे, उसमें से पुनः जो है 5 बच्चे 5 समूहों में भेजे जा चुके हैं, कितने बच्चे शेष रह जा रहे हैं, 15 - 5 = 10। और ये देखिए पहला वितरण हो रहा है, यहाँ पर दूसरी बार वितरण हो रहा है, दूसरे वितरण के बाद, पहले वितरण के बाद 15 बच्चे बचे, दूसरे वितरण के बाद बचे हुए बच्चों की संख्या कितनी होगी, ऐसा आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। बच्चों दूसरे वितरण के बाद बच्चों के समूह में जिनका वितरण करना है कितने बच्चे बचे हुए हैं, चाहे तो बच्चे मौके पर अगर मूर्त रूप में इस उदाहरण को अपने खेल के मैदान में कक्षा के बाहर आप करवा रहे हैं तो उनसे गिनवा सकते हैं, हो सकता कुछ बच्चे उत्तर आगे पीछे दे सकते हैं। जो बच्चा संकित उत्तर दे रहा है, उत्तर नहीं दे पा रहा है, वहीं पर शिक्षक को प्रयास करना चाहिए, उसका नाम लें, उससे बातचीत करें कि गिन करके बताइए, मौके पर जा करके बताइए जो वितरित किए जाने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है दूसरे वितरण में। वह बच्चा जो उत्तर देने से घबराता होगा या गणित को सीखने से डरता होगा, निश्चित रूप से साहस आप देंगे तो वह मौके पर जा करके गिन करके बताएगा, सर इस समूह में अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं, इनका वितरण करना है। उसी बच्चे से या अन्य बच्चे को निर्देश देंगे कि इन 10 बच्चों में से इनको फिर से इन समूहों में, कितने समूह हैं, 5 समूह, फिर एक एक बच्चे का वितरण करें। आपके निर्देश के बाद इस शेष बचे हुए 10 बच्चों में से एक एक बच्चा जो है फिर जो है अपने अपने समूह में जाने को तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि पहला समूह जिसका नाम अ है, इसमें तीसरे वितरण में 3 बच्चे हो जा रहे हैं, समूह ब में पुनः 3 बच्चे हो जाएंगे, यह है समूह स में 3 बच्चे, उसी प्रकार से समूह द में 3 बच्चे, और समूह य में फिर यह है 3 बच्चे हो जा रहे हैं। आपका तीसरा वितरण हो गया, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे वितरण में आप पूछेंगे बच्चों दूसरे वितरण में कुल कितनी संख्या थी, तो बच्चे बताएंगे 10 संख्या थी जो आपको लिखा हुआ है, और तीसरे वितरण में कितने बच्चों को 5 समूहों में भेजा गया है, मौके पर देख सकते हैं, गिन सकते हैं, सोच सकते हैं, बता सकते हैं, आप पाएंगे वह संख्या दोबारा जो है 5 आ रही है।
पांच क्यों आ रही है? क्योंकि पांच समूह हैं और पांचों समूह में तीसरे वितरण में पांच बच्चे गिनती किए जा सकते हैं जो पांचवें समूह में विराजमान हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि तीसरे वितरण के बाद क्या सभी बच्चे वितरित हो गए या कुछ बच्चे अभी भी शेष हैं? तो ज़्यादातर बच्चे उत्तर देंगे कि नहीं, अभी भी बच्चे शेष बचे हुए हैं जिनका वितरण करना है। फिर प्रश्न उठेगा कि बचे हुए बच्चों की संख्या कितनी है, उसको भी घटा के देख सकते हैं या मौके पर गिन सकते हैं। तो आप पाएंगे कि तीसरे वितरण में 10 में से 5 को घटाएंगे, कम करेंगे, तो निश्चित रूप से कितना आएगा? 5 आएगा। कितना उत्तर आएगा? 5 आएगा। जो है अब प्रश्न पूछें कि 20 बच्चों को 5 समूहों में वितरित करने के लिए अभी 5 बच्चे बचे हुए हैं, तो इनको भी वितरित करना है, अर्थात चौथा वितरण हमें करना है। और चौथे वितरण के लिए फिर निर्देश दें कि सारे बच्चे एक एक ग्रुप में पुनः सम्मिलित हो जाए। यहाँ तो आप देखेंगे पहले ग्रुप में एक बच्चा आ रहा है, फिर जो है दूसरे ग्रुप में भी एक बच्चा आ गया जो है, और तीसरे ग्रुप में भी बच्चा आ गया, चौथे ग्रुप में बच्चा आ रहा है, उसी प्रकार से पांचवें समूह में जिसका नाम य है या पांचवा है, इसमें भी एक बच्चा चला गया। आप बच्चों से पूछें कि पहले समूह में बच्चों की संख्या कितनी है, वितरण के बाद पहले समूह में कितनी है, निश्चित रूप से उत्तर आएगा, गिनवा सकते हैं 1, 2, 3 और 4, इसका उत्तर आ गया 4। और इसके पूर्व आप चौथे वितरण में प्रश्न पूछें कि तीसरे वितरण के दौरान कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। चौथे वितरण में हमने कितने बच्चों को भेजा? 5 को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि 5 समूहों में भेजना था, और भेजने के बाद वो बच्चे बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से समूह से बच्चे दूसरे समूह में जा रहे हैं, बड़े समूह से छोटे समूह में जा रहे हैं, तो वह बच्चे हमारे कम हो जा रहे हैं। कम होने के लिए हम क्या करेंगे? घटाने का निशान करेंगे, लगाएंगे, और ये पूछेंगे 5 ही बच्चे बचे रह गए थे तीसरे वितरण के बाद, और चौथे वितरण में 5 बच्चे 5 ग्रुप में चले गए, तो अब बचे हुए बच्चों की संख्या कितनी है? आप देखेंगे 5 में से 5 घटाने पर 0। 0 का आशय कि अब मौके पर कोई भी बच्चा नहीं खाली है, खड़ा है, जिसको किसी समूह में भेजना है। फिर आप प्रश्न करेंगे कि अलग अलग समूहों में जो हमने बच्चों को भेज दिया है, इन बच्चों की संख्या कितनी है? समूह एक में या समूह अ में कुल कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, 4। उसी प्रकार से समूह ब में बच्चों की संख्या उसी अपनी कक्षा के किसी अन्य छात्र या छात्रा से पूछें और उनसे ही उत्तर निकलवाएं कि यहाँ पर समूह ब में बच्चों की संख्या कितनी है, तो बच्चे उत्तर देंगे 4। पुनः इसका पुनरावर्तन करें कि समूह स में कितनी संख्या है? 4। समूह द में कितनी है जो है, तो यहाँ पर भी संख्या जो है। ये सारी बातें प्रश्न उत्तर के माध्यम से अलग अलग बच्चों के सहयोग से ले आए जो है, और अंतिम ग्रुप अर्थात पांचवा ग्रुप जिसका नाम है य ग्रुप, यहाँ पर भी बच्चों की संख्या 4 है। प्रयास यह करें कि कक्षा के सभी बच्चे इस गतिविधि में सम्मिलित हो जाए, कुछ बच्चे समूह बनाने में, कुछ बच्चे प्रश्नों का उत्तर देने में, कुछ बच्चे गिनने में, जिससे पूरी की पूरी कक्षा आपकी सजीव हो, हर बच्चा जागरूक हो, हर बच्चा यह जानने के लिए उत्सुक हो आगे क्या होना है, इससे हम क्या जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों में सोचने, समझने, चिंतन करने की बहुत तीव्र क्षमता होती है, ज़रूरत बस यह है उनकी क्षमता को पहचानें और उसका उपयोग करें। तो आपने देखा कि इस उदाहरण में इसी बात को अलग अलग लिखा गया है जो है, कि अलग अलग समूहों के माध्यम से कैसे कैसे वितरण किया, जो हमने अभी चर्चा कर रहे थे जो है, सारे बच्चे जो है वितरित हो गए हैं और हर समूह में 4 बच्चे हैं जो है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त वितरण में 20 में से 5 अर्थात 20/5 ये संख्या जो है, हमें कुल बच्चे 20 थे और समूह कितने थे जो है, समूह बराबर 1, 2, 3, 4, 5, समूह बराबर कितने हो गए? 5।
कुल बच्चों की संख्या 20, कुल समूहों की संख्या 5, उत्तर प्राप्त करना है कि एक समूह में कितने बच्चे आ रहे हैं। तो आप देखेंगे 20 बच्चों को 5 समूहों में बांटते समय, ये मौके पर हम अलग अलग एक एक वितरण के माध्यम से बांटते गए हैं, सारे बच्चे वितरित हो गए हैं और वितरित हुए बच्चों की संख्या समूहवार 4-4 आई है। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर हमें ऐसा करना हो, इतना समय न देना पड़े, हम सीधे सीधे 20 में इसको भी प्रश्न बना करके बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चों 20 बच्चों को 5 समूहों में बांटे हैं, हमारा उत्तर 4 आ रहा है, तो 20, 5 और 4 में क्या संबंध दिखाई दे रहा है, क्या चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं। निश्चित रूप से बच्चे उत्तर देंगे कि 20 भागे 5 बराबर 4, अर्थात संपूर्ण संख्या में, संपूर्ण बच्चों में दिए गए समूहों की संख्या से भाग देते हैं तो हमें उस समूह में बच्चों की संख्या आती है। इस उदाहरण से हमें निकल के आ रहे हैं कि अगर हमको कुल समूह दिया हो, बड़ा समूह दिया हो, उसको छोटों में वितरण करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, उस छोटे समूह में आने वाले बच्चों की संख्याओं की, वस्तुओं की गिनती मालूम हो जाएगी। हम ऐसे ही उदाहरण आप और भी ले सकते हैं, आइए एक उदाहरण पर और बातचीत करते हैं। यह है दूसरा उदाहरण है, आपके विद्यालय में आपको लेकर कल्पना की जा रही है, माना जा रहा है कि आपके विद्यालय में आपको लेकर कुल 5 शिक्षक हैं। आप हैं, आपका विद्यालय है, पूरे शिक्षकों की संख्या कितनी है, 5 है। आपकी कक्षा 5 में पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने जन्मदिन के अवसर पर सभी शिक्षकों के लिए 20 टॉफियां लेकर आया है। आपका विद्यार्थी सभी शिक्षकों को बराबर बराबर टॉफियां देना चाहता है, क्या आप अपने विद्यार्थी की इस कार्य में मदद नहीं करना चाहेंगे। हम बच्चा जिसका जन्मदिन होता है निश्चित रूप से विद्यालय में कुछ कुछ ले आता है और अपने शिक्षक के साथ शेयर करना चाहता है, और कितना सुखद संयोग है कि बच्चे के प्राकृतिक जानकारी, प्राकृतिक सोच के आधार पर आप इसको ऐकिक नियम बता सकते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए आप मदद करेंगे बच्चे के लिए, और आपका विद्यार्थी टॉफी को लेते हुए आपके सुझाव के अनुसार एक एक टॉफी 5 शिक्षकों को देगा, जो है फिर पिछली प्रक्रिया की तरह 30 में से 5 टॉफियाँ निकल गई, 25 बचा जो है, फिर 25 टॉफियों को दोबारा एक एक करेगा, करते करते वह टॉफी जो है 5 राउंड में, जो है 6 राउंड में जो है सभी शिक्षकों को दे देंगे। और प्रत्येक शिक्षक को कितनी टॉफी मिली इस बात को जानने के लिए आप 30 में 5 का भाग दे देंगे, तो 30 भागे 5 बराबर 6। उस घटना को बच्चा 6 बार जो है करता जाएगा, टॉफी का वितरण करता जाएगा, तो प्रत्येक बच्चे को 6 टॉफियां मिलती हैं। जो है इसके बाद आप बच्चों को अपनी कक्षा में घर में होने वाली घटनाओं, घर में होने वाले वितरण के लिए सुझा सकते हैं। जैसे उसी दिन बच्चों को आप सुझा सकते हैं, बच्चे अपने अपने घरों में आसानी से बांटी जा सकने वाली सामग्रियों को अपने दोस्तों के बीच या अपने परिवार के सदस्यों के बीच समान रूप से वितरण सुनिश्चित कर सकें, और उनसे ये भी करें कि उनका जो अनुभव हो, जो जानकारी हो, उसको अगली कक्षा में आएं और सबके साथ साझा करें। इन 3 उदाहरणों को अगर आप देखेंगे, बातचीत करेंगे यह है, तो पाएंगे कि बच्चों में ऐकिक नियम का सामान्यीकरण होने लगेगा और वह ऐकिक को जानने लगेंगे, किसी बड़ी संख्या को, बड़ी समूह को, कई सामानों को निश्चित लोगों में समान रूप से वितरण करने के लिए क्या कहते हैं, अर्थात अधिक संख्याओं को समान रूप से वितरण करने के लिए जितने लोगों में वितरण करना होता है उससे भाग देते हैं। पहले उदाहरण में आपने देखा कि 20 में 5 से भाग देते हैं तो समूह के लोगों की संख्या आती है। दूसरा उदाहरण जो था कि 30 जो है टॉफियाँ 30 हैं और शिक्षक जो है 5 हैं, जो है निश्चित रूप से शिक्षक बराबर 5 हैं, प्रत्येक शिक्षक को कितनी टॉफी मिलेगी, जो है वो 30/5 = 5×6=30 टॉफियों को 5 शिक्षक में वितरण करना है, तो
तो प्रत्येक शिक्षक को 30/5 बराबर 6 टॉपियाँ आएंगी। तीसरा उदाहरण जो बच्चों को देंगे कि घर पर बच्चे करके आएँ या और सीख करके आएँ, उसके अनुभव को भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से आप देखेंगे कि आगमन विधि के माध्यम से बच्चों ने इस निष्कर्ष निकाला कि किसी समूह के सदस्यों को, किसी समूह की संख्याओं को अगर निश्चित समूह में बराबर बांटना है तो पहले वाले बड़े समूह की संख्या को बांटे जाने वाले समूह की संख्याओं से भाग देते हैं तो प्रत्येक समूह में आने वाली संख्या ही उसका मान होगी, अर्थात उसमें एकिकता दिख रही है, एक अनुलोम दिखाई दे रहा है, एक रूपता दिखाई दे रही है। इसको हम बच्चों को समझा सकते हैं। यह आइए अब हम अनेक के लिए परिगणित करें। जब हमें एक का मान दिया हो, एक दूसरी परिस्थिति आती है कि किसी एक वस्तु का मूल्य होता है, उसके आधार पर हमें कई वस्तुओं का मूल्य निकालना होता है। एक दूसरी परिस्थिति आती है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक उदाहरण है कि गणित की एक पुस्तक का मूल्य 50 रुपया है, ऐसी ही 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। इस उदाहरण के माध्यम से बच्चों से आप लगवा सकते हैं कि एक पुस्तक है, पुस्तक भी गणित की है, उसकी कीमत यदि 50 रुपया है और 5 पुस्तकें खरीदनी हैं, उनकी कीमत कितनी होगी। निश्चित रूप से बच्चे सामान्य जानकारी के हिसाब से 50 रुपये को 5 बार जोड़ेंगे, 50 + 50 + 50 + 50 + 50 बराबर 250 रुपये जो है। और दूसरे रूप से अगर देखें तो 50 को 5 बार जोड़ने की जगह हम 50 में 5 का गुणा कर दें। यह है जब 50 को 5 बार जोड़ेंगे तो उससे जो उत्तर प्राप्त होगा, जैसे 50 + 50 + 50 + 50 + 50 बराबर कितना हो गया, 250 रुपया। इसी बात को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 50 × 5 बराबर 250 रुपया, अर्थात 50 रुपये की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5 बार हो रही है। इसीलिए हमने 50 में 5 को गुणा किया और 250 रुपया आ गया। उदाहरण के माध्यम से 5 पुस्तकों का मूल्य 5 बार 50 जोड़ के 250 प्राप्त करते हैं, उसी को सरलतम भाषा में 50 × 5 बराबर 250 करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस उदाहरण में हम यह सीख रहे हैं कि यदि गणित की पुस्तक का मूल्य 50 रुपया है तो ऐसी ही 5 पुस्तकों का मूल्य 50 × 5 बराबर 250 रुपया होगा। यह है इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लीजिए। यह है यदि आपके प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध एक फुटबॉल की कीमत 500 रुपये है तो 4 फुटबॉलों की कीमत कितनी होगी, ऐसा प्रश्न कक्षा में बच्चों के साथ कर सकते हैं। फुटबॉल ले सकते हैं, कुर्सी ले सकते हैं, जो वातावरण में आपको दिखाई दे रहा हो, जो सरलता से सस्ता से उपलब्ध हो। इस उदाहरण में दिखाया जा रहा है कि 500 रुपये का एक फुटबॉल है और 4 फुटबॉल अगर विद्यालय को ज़रूरत है तो कुल कितने रुपयों की ज़रूरत होगी। इस बात को निकालने के लिए आप प्रश्नों के माध्यम से बच्चों का सहयोग लें और आप प्रश्न उत्तर के माध्यम से बच्चों से बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे 50 को 4 बार जोड़ेंगे, सॉरी 500 + 500 + 500 + 500 बराबर 2000 रुपये, अर्थात 500 × 4 बराबर 2000 रुपये। कि एक फुटबॉल की कीमत 500 है तो 4 फुटबॉलों की कीमत 2000 रुपये होगी। एक और उदाहरण ले सकते हैं। यह है मिठाई के एक पैकेट का भार 500 ग्राम है तो 5 पैकेटों का भार कितना होगा। बच्चे बाजार जाते हैं, मिठाई खरीदते हैं, खाते हैं, ऐसा आप उदाहरण ले सकते हैं कि मानते हैं कि अगर एक पैकेट है जिसमें मिठाई रखी गई है उसका वजन कितना है 500 ग्राम, तो बच्चों ऐसे ही 8 पैकेटों का भार कितना होगा। निश्चित रूप से बच्चे उत्तर देंगे, 500 को 8 बार जोड़ेंगे, 500 × 500 उसका पूरा योग करने पर प्राप्त करेंगे कि 4000 ग्राम उत्तर आ रहा है। और ग्राम को अगर किलोग्राम में बच्चों के सहयोग से परिवर्तित करेंगे तो उसको 4000 ग्राम को 4 किलोग्राम में बांटेंगे। यह तो आप देखेंगे कि एक पैकेट का वजन 500 ग्राम तो 8 पैकेटों का वजन कितना हो गया, 4 किलोग्राम। आपके सामने मैंने 3 उदाहरण रखा,
जानबूझकर के तीन रखा है, कम से कम दो से अधिक उदाहरण हो, आप भी ऐसा कर सकते हैं अपनी कक्षाओं में, और इन तीनों उदाहरणों को एक चार्ट के रूप में बनाएं और देखें। देखिए आपके सामने एक चार्ट है जिसमें उदाहरण दिए गए, उदाहरण 1, 2, 3, दूसरे कॉलम में पहली चर राशि, जो तीन उदाहरण अभी आपको दिखाएंगे उसमें दो चर राशियां हैं, दो राशियां जिनका मान बदल रहा है, चर मीन्स परिवर्तित होने वाली राशियां। तो पहली चर राशि है जिसमें पहले उदाहरण में पुस्तकों की संख्या दी गई है, ये एक पुस्तक की कीमत, फिर इतने पुस्तकों की कीमत कितनी होगी, और दूसरी राशि है मूल्य, पुस्तकों का मूल्य क्या है, बदलता जा रहा है, एक पुस्तक की कीमत कुछ और है, अधिक पुस्तकों की कीमत कुछ और है, मतलब प्रत्येक उदाहरण में दो राशि, पहले उदाहरण में पुस्तक की संख्या एक राशि है, चर राशि है, और उसी उदाहरण में दूसरी चर राशि मूल्य है। हम दूसरे उदाहरण में देख रहे हैं कि पहली चर राशि फुटबॉल की संख्या है, तो दूसरी चर राशि फुटबॉल का मूल्य है जो है। तीसरे उदाहरण में देख रहे हैं कि पैकेटों की संख्या है, पैकेट की संख्या बदल जा रही है, पहले बार में एक पैकेट, बाद में पूछा जा रहा 8 पैकेट, पहले पैकेट का मूल्य जो है कुछ वजन कुछ और है, 400 ग्राम है, 8 पैकेटों का वजन निश्चित रूप से 4000 ग्राम हो रहा है। तो आपने देखा कि तीन उदाहरणों में दो प्रकार की राशियां, चर राशियां हैं, आपस में परिवर्तित हो रही हैं, और इनके स्वभाव को अगर देखा जाए तो यह प्राप्त करते हैं कि जब हमें अनेक के लिए ज्ञात होता है और एक के लिए परिकलन करता होता है तो हम भाग देते हैं। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी जानकारी जब हमें अनेक के लिए ज्ञात, अनेक मतलब दो या दो से अधिक के लिए ज्ञात हो, और एक के लिए परिकलित करना हो, निकालना हो, पता करना हो, तो हम वहाँ पर भाग देते हैं। ऐसी चर राशियों के युग्मों जिनमें जितने गुना एक होता है उतने गुना दूसरी राशि होती है, स्वभाव में परिवर्तन सिमिलर हो जाता है। ऐसी राशियों को अनुलोम विचरण वाले युग्म कहते हैं। जो आप अभी तीन उदाहरण देखे हैं उसमें सारे के सारे अनुलोम विचरण का गुण दिखाई दे रहा है। पहली राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि के मान में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी दो राशियां जिनमें दोनों में एक क्रम दिखाई दे रहा हो उनको हम अनुलोम विचरण वाले युग्म कहते हैं। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण के माध्यम से प्रतिलोम विचरण वाले राशियों को अपनी कक्षाओं में बच्चों को बता सकते हैं। दो राशियां लेंगे, एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान कम होगा। ऐसे ही एक उदाहरण, दो उदाहरण, तीन उदाहरण, प्रयास ये करें कि उदाहरण हमेशा बच्चों के आसपास का हो, बच्चों के परिवेश का हो, क्योंकि ऐसे उदाहरण जब आप बच्चों के सामने रखते हैं वह बच्चे उस बात को ध्यान से सुनेंगे, उस उदाहरण के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, उस परिस्थिति में अपने आप को सम्मिलित करेंगे और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस पूरी क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से किसी विशेष कॉन्सेप्ट का जानकारी हासिल करेंगे। आप देखें कि आप हमने यहाँ पर एकिक नियम में दो बातों को सीखा, अनुलोम और प्रतिलोम। जो है अनुलोम, जब दो राशियों में एक ही तरह का परिवर्तन दिखाई देता, एक ही ट्रेंड दिखाई देता तो उनको अनुलोम कहते हैं, और जब दो राशियों में विपरीत तरीके का परिवर्तन दिखाई देता है तो उन्हें हम प्रतिलोम करते हैं। आप अंक गणित के अनुप्रयोग के अंतर्गत आज एकिक नियम को जाने, एकिक नियम में भी अनुलोम और विलोम को निश्चित रूप से कई उदाहरण, कई परिस्थितियाँ, कई प्रश्नोत्तरों के माध्यम से मैंने अपनी बात को रखा। आशा करता हूँ आप भी अपनी कक्षा में इस प्रकरण को या इससे संबंधित अन्य प्रकरणों को आसपास के उदाहरणों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, बच्चों के सहयोग के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को ले आने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।